हमारे को यहाँ कपड़ के हरिया पुलिस वाला बंद कर दिया, हमारे को काम नहीं कर दे, रोटी भी नहीं खा रहे तो हम कैसे जाएंगे। हमें तो कैसे आज 16 दिन हो गए यहाँ पड़े हैं। आपके पानी की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, पंखे हैं, कूलर है, वाटर कूलर लगा रखे है। हमारी मतलब जो टीम है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। RPS कॉलेज में, RPS स्कूल में, बलाना कॉलेज जो RPS उसमें। और किस काम के लिए आए थे? लावनी करने, लावनी करने के लिए। तो आपको क्या लावनी मिली या नहीं मिली? लावनी नहीं मिली, कम मिली। यहाँ पे जो लावनी करके आया, लावनी तो मिलती है हमारे को यहाँ कपड़ के, यहाँ पुलिस वाला बंद कर दिया, हमारे को काम नहीं करने देते, गरीब आदमी परेशान है। देखो खाना तो मिल रहा होगा आपको समय अनुसार, खाना मिल रहा है तो आपको परेशानी तो मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, ये परेशानी यहाँ पे देखो इस अच्छी सी संस्था में आपको यहाँ पे रहने के लिए जगह दी हुई है, तो और तो परेशानी नहीं होगी। हमारे घर से परेशानी है तो घर पे बच्चा है और हम घर पे जाने के परेशानी है, घर पे जाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा ये लोग चाहते हैं कि हम घर पे पहुंचे, लेकिन उसके माध्यम से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सहूलियत की हुई है कि आप इस जगह पे आराम से रहेंगे। जब इस बीमारी का महाप्रकोप ये बीमारी फैली हुई है ये खत्म हो जाएगी तो आपको सुरक्षित घर पर पहुंचा दिया जाएगा। नहीं, ये लॉकडाउन तो बद रही है, हमारे को घर कब तक आएगा? हम तो घर पर जा सकते हैं, हमारी गाड़ी करके जा सकते हैं, किसी को जरूरत नहीं। हमारे को यहाँ से निकल जाते हैं तो हम घर पर जा सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर इस तरह से कोई जिद करता है और वो घर पर जाता है या परमिशन लेकर के जाता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से भाई साहब को भी बताना चाहूंगा और आप सबको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी व्यक्ति ने जिद करके और परमिशन लेने के बाद में अपने गाँव चला भी जाता है तो उस दौरान क्या होता है, उस गाँव के आसपास का जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के अंदर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, आपको वहां पे लॉक कर दिया जाएगा, आपके घर वालों को फिर भी नहीं मिलने दिया जाएगा जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक। तो उससे अच्छा है यहाँ पे है, सुरक्षित है, अच्छे हैं। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और गलती से कोई संक्रमण आपको लग गया तो आपको परेशानी होगी, आपके परिवार को, आपके गाँव को परेशानी होगी। उससे अच्छा है, बेहतरीन है कि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत बेस्ट लगता है मेरे को। आपको तब जाना चाहिए जब यहाँ से लॉकडाउन खत्म हो जाए तब, लेकिन यहाँ पे आपको सारी सुविधा मिल रही है। हम जिद से थोड़ी जाते हैं गाँव में, ये लोग छोड़ेगा जब भी जाएंगे तो पहले कैसे जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा कि ये प्रशासन छोड़ेगा, इन लोगों की नहीं कह सकते आप, ये प्रशासन की बात है, गवर्नमेंट की बात है। जब तक गवर्नमेंट आदेश नहीं देगी तो आप नहीं जा सकते ना, आदेश नहीं देगा तो पहले कैसे जाएंगे, परेशान आते बढ़िया। यहाँ पे कोई आपको खाने पीने के अंदर कोई पीना सही है? बिल्कुल बराबर मिल रहा है खाना पीना, मिल रहने की सुविधा, कोई पानी पीने की, नहाने की, और कोई बिल्कुल बताइए जी। बच्चे पीछे से परेशान है, हमें तो छोड़ा जाए, घर तक पहुँचाया जाए, बच्चे हमारे खाने से भूखे, रोटी भी नहीं खा रहे तो हम कैसे जाएंगे। हमें तो कैसे आज 16 दिन हो गए यहाँ पड़े। आपको 16 दिन यहाँ पे हो गए, आप गांव से कितने दिन पहले यहाँ पे आए थे? एक महीना हो रहा है। एक महीने हो गए आपको गाँव पे आए? हम तो घर में 15 दिन का काम के लिए आए, लावनी करने, वहाँ मेहनत मजूरी वाले आदमी है। यही कहना चाहूँगा, अभी जो संस्था खाना लेके आई है आप लोगों के लिए, आप खाना ले लीजिए। हमारे साथ में डिपार्टमेंट के कुछ लोग बने हुए हैं, उनको भी डॉक्टर साहब जैसे कि हमारे साथ में। सर आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश यादव है, मैं पैरामेडिकल स्टाफ से हूँ, माधोगढ़ हमारा हेडक्वार्टर है जी। और मेरे को नॉर्मल CM ऑफिस से यहाँ अपॉइंट किया गया है कि भाई आपका डेली यहाँ की विजिट होगी, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसको दवाई देनी है, और अगर किसी को कोरोना के लक्षण लगे तो तुरंत फ़ोन करके बताना है और उसको एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल क्वारंटाइन के लिए करना है जी। बाकी अब ये यहाँ 30 तारीख से हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस इन्हें लॉकडाउन खुलने की उम्मीद है। जब तक ये थोड़ी बहुत जिद कर रहे हैं, कल SP साहब आए थे, वो समझा के भी गए थे कि भाई जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये तब तक मान भी गए थे। अब ये जो दो लेडीज़ हैं ये भाई नहीं मान रही, इन्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, तो उसके लिए तो प्रशासन जब जो आदेश देगा हम आगामी कार्रवाई तक यहीं डटे रखेंगे जी। जी जी, जैसे कि यहाँ पे जो इनको खाने पीने की सुविधा है, रहने की, सोने की व्यवस्था है, वो कैसी चल रही है सर? यहाँ पर इनके लिए आप जाके ऊपर कमरे में देख सकते हो, एक कमरे में कम से कम 5-5, 6-6 फैन लगे हुए हैं, सभी को अलग अलग गद्दा दे रखा है, और बढ़िया साफ सुथरे लैट्रिन बाथरूम में पानी के लिए वाटर कूलर लगा हुआ है। दोस्तों अब हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं माधोगढ़ चौकी के इंचार्ज हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया ये कैसी क्या व्यवस्था है, यहाँ की क्या व्यवस्था है? सर आपका ICT मीडिया में स्वागत है। सर कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पर, जो यहाँ रुके हुए हैं बाहर के व्यक्ति? यहाँ तो अच्छे से पानी की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, पंखे हैं, कूलर हैं, वाटर कूलर लगा रखा है, और सभी के लिए पार्क है, बैठने के लिए गद्दे बिछा रखे हैं, सुबह शाम खाना आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चाय भी मिलती है इनको, बिस्कुट वगैरह मिलते हैं, परेशानी है घर जाने की। अच्छा, घर जो ऊपर से सरकार आदेश करेगी उसके हिसाब से हम घर भेज सकते, बाकी हमारे ऊपर नहीं है। हाँ वो तो ऊपर से ऑर्डर आया सर। और सर जो अपना जो एरिया है यहाँ का रोड पास की, वैसी यहाँ की क्या स्थिति है कुछ? यह बहुत अच्छा पीसफुल एरिया है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, आराम से लेटो, खाओ, पियो, मौज करो। सर यहाँ का जो स्थिति है, वहाँ का जायजा लेने के लिए कौन कौन से अधिकारी आते हैं? यहाँ हमारे जिला उपायुक्त आते हैं, और उसके बाद में हमारे मैम साहब SP साहब, DSP साहब राज सिंह जी, और महेंद्रगढ़ DSP साहब,
और SSO साहब भी और SDM साहब भी और तहसीलदार साहब भी यहाँ पर काफ़ी डॉक्टर की टीम भी आती है, इनको बार बार चेक किया जाता है और खाना पीना के इनको पूछताछ की जाती है भाई खाना आपको कैसे मिल रहा है, उसके बिल्कुल खाना तो बिल्कुल सही है इनका खाना और जांच भी इनकी बहुत अच्छी है। जो अपने डीसी साहब है साहब आते हैं वो कितने दिन में राउंड लगा लेते हैं वो लगभग दो से एक लगभग तो SDM साहब DSP साहब तो DSP साहब तो डेली आते हैं और SDM साहब DC साहब मैम साहब ये दो या तीन दिन के अंदर चक्कर लगा देते हैं। अच्छा मैम है जो SP साहब वो या दो या तीन दिन में चक्कर लगा देते हैं, DC साहब भी चक्कर लगा देते हैं। हमारे इस क्षेत्र के जो विधानसभा के इस क्षेत्र के जो अभी एट प्रेजेंट हालिया MLA हैं क्या वो आए हैं इस क्षेत्र में? अभी तक कोई नहीं आया जी, अभी तक कोई नहीं, अभी कोई नहीं है, नेता कोई भी नहीं आया। लगता है कि राहुल दान सिंह का जो क्षेत्र होगा ये जी, तो क्या वो कभी जायजा लेने के लिए या लोगों की स्थिति जानने के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं आया जी, यहाँ पे ना होकर के थाने में या आपके पास? नहीं 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 बिल्कुल नहीं आया कोई भी। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन रॉयल ICTM मीडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है देश में लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, ऐसे में जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं या ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने दिहाड़ी बजाते हैं और काम करते हैं, अपने शाम को आजीविका कमा खिलाते हैं उसी से गुजारा करते हैं, अब जो मजदूर हैं उनको अपने खाने पीने का और घर चलाने में काफ़ी सामना करना पड़ता है, ऐसे में बहुत से NGO सामाजिक संगठन और सरकार द्वारा भी समय समय पर सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में एक श्री श्याम परिवार सेवा समिति महेंद्रगढ़ के द्वारा RPS स्कूल महेंद्रगढ़ में यहाँ जो कर्मचारी हैं स्कूल के उनको भोजन दिया जा रहा है और ये यहाँ जो की झोपड़ी है उनको भी भोजन दिया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखो किस प्रकार से ये भोजन दे रहे हैं और किस प्रकार से जो कर्मचारी हैं वो लाइन में खड़े। जैसे कि अभी हमारे साथ ही जुड़े हुए थे आपसे पवन कुमार जी, पवन रॉयल जी जुड़े हुए थे, तो अभी जस्ट ही मैं पवन कुमार राठौड़ आपके साथ में हूँ। अभी हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पे RPS स्कूल जो है महेंद्रगढ़ में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर श्री श्याम सेवा परिवार समिति के माध्यम से यहाँ पर गरीब लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। ये जो खाना वितरित किया जा रहा है ये आज ही नहीं, ये हर बार किया जाता है। जब से हमारे इस देश में लॉकडाउन लगा है तब से ये जो खाना यहाँ पे वितरित कर रहे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितनी सारी लोग हैं जो यहाँ पर के खाना खाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं लेने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं पवन जी से विनती करना चाहूँगा एक बार आप यहाँ पर कैमरे को दिखाइएगा, देखिए मतलब ये अपनी गाड़ी भर करके ले करके आते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे नहीं ये RPS स्कूल की बात नहीं कर रहा, जहाँ भी जिस भी महेंद्रगढ़ इलाके में जिस भी झोगी झोपड़ी में जिधर भी लोग रह रहे हैं जो ऐसाए हैं इस वक्त जो अभी का नहीं मजदूरी पे जा रहे हैं उनको ये खाना पहुँचा रहे हैं और ये जो खाना पहुँचा रहे हैं ये इनका अपना कर्म है। एक चीज़ इन्होंने हमसे बातें की थी, उस बातों के माध्यम से इन्होंने बताया था कि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी लेन देन नहीं है, हम अपने जो इनकम है हम जो अपनी जो कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर श्री श्याम सेवा समिति संस्था के माध्यम से हम लोगों को खाना दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा अपना एक कर्म है जो हम अपना पूरा कर रहे हैं और मैं आपसे बात करवाता हूँ हमारे साथ में सेवा ये जो श्री श्याम सेवा समिति के सदस्य जो है मेंबर है जुड़े हुए हैं इनसे मैं बात करवाता हूँ। सर मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूँगा, जैसे कि आप सबसे पहले तो संस्था के बारे में बताइएगा। सर श्री श्याम सेवा परिवार समिति हमारी संस्था का नाम है जी, प्रमोद कुमार निम्बेड़िया जी हमारे प्रधान जी हैं जी। हमारी संस्था में निःशुल्क भोजन की सेवा दी गई है, इससे पहले हम खाटू श्याम जी के लिए फ्री बस सेवा का आयोजन किया गया है जी, हर महीने खाटू श्याम के लिए फ्री बस सेवा है जी।
जी अंबेडकर, ये आपकी फ्री बस सेवा कहाँ से जाती है सर? अंबेडकर चौक महेंद्रगढ़ से चलती है और खाटू धाम तक जाती है। खाटू धाम तक जी, और वापस भी लेकर के आती है जो भी श्रद्धालु होते हैं उनको। खाना पीना उनका फ्री है बस में, किराया फ्री है, कोई जाने का किराया नहीं है उनका। इसके अलावा जैसे कि ये लॉकडाउन जो चला हुआ है, इस दौरान आपका किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? बहुत ही अच्छी हमारी मतलब जो टीम है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आरपीएस कॉलेज में, आरपीएस स्कूल में, बलाना कॉलेज जो आरपीएस उसमें, और खायरा गांव में बहुत से नज़दीकी जितने भी झुग्गी झोपड़े हैं वहाँ हमारा खाना डेली पहुँच रहा है। 1000 से 1200 पैकेट डेली ही हमारे पहुँचते हैं। तो ये क्या एक समय में आप वितरित करते हैं या सुबह और शाम दोनों समय में वितरित? सुबह सुबह का वितरित हो पाता है जी। अच्छा, शाम की जैसे कि उनकी खाने की सुविधा का क्या कुछ अनुमान है आपको? शाम की सुविधा के लिए डीएसपी साहब ने एरिया दे रखे हैं अलग अलग लोगों को, भाई तुम शाम को तुम जाओगे, सुबह तुम जाओगे, इस तरीके से। तो उसके हिसाब से तो क्या जो बात करते हैं संस्था के अंदर जो अनुदान आता है जो यहाँ पर, उसके बारे में आप क्या कहना जी? ऐसा है कि बाहर से कोई अनुदान नहीं आ रहा, सरकारी की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। हमारी कमेटी के जितने भी मेंबर हैं और जितने भी अपने यार दोस्त मिलने वाले हैं वो ऐसे ही करके अपना एक दूसरे से काम चला रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा, भाई साहब जैसे कि आप कितने दिन से यहाँ पे खाना ले रहे हैं संस्था के माध्यम से? लॉकडाउन चल रहा है जब से। लॉकडाउन तो आपको क्या संतुष्ट है यहाँ से खाना लेकर के आप? हाँ बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग होंगे आप यहाँ पे इस जगह पे रह रहे हैं? करीब होंगे 150 के समथिंग। 150 के करीब लोग हैं आप यहाँ पे जो आप खाना खा रहे हैं। तो ये आप रहने वाले कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ। राजस्थान से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं इस संस्था के अंदर, आरपीएस के अंदर? हमारा टाइलों का काम है। अच्छा, मतलब आप टाइलों का काम है, मजदूरी का काम करते हैं। जैसे कि दूसरे साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पे, भाई साहब खड़े हुए हैं, तो भाई साहब क्या बताना चाहेंगे आप संस्था के बारे में और खाने के बारे में और लॉकडाउन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन ठीक ही चल रहा है और खाने के लिए बहुत दिक्कत अभी है, तो एक टाइम मिल रहा है। आपको एक टाइम मिलता है खाना? एक टाइम, दूसरे टाइम आप कहाँ से एडजस्ट करते हैं? अपने बनाते हैं। अपने बनाते हो? तो क्या काम अभी भी कर रहे हो या काम नहीं हो? अभी काम बंद है। अभी काम बंद है। तो आप रहने वाले कहाँ से हैं? बिहार से। और लॉकडाउन ये लंबा चला, एक बहुत लंबा चला, यानी कि अभी 3 मई तक चला है। हो सकता है कि अगर ये जिस कोरोना जो महामारी है इस पर आप हमारी सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई और आगे बढ़ा दिया, तब आपके माइंड में क्या आएगा कि मैं घर जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, कुछ ऐसा हो पाएगा क्या? मैं सोच रही तो यहाँ पे बैठे हुए काम में चला, सोच हो सकता तो मैं घर जा तो बढ़िया रहे। घर जाने के इच्छुक हैं यहाँ पर, जैसा कि सर ने बताया कि भाई साहब आपका नाम क्या है? राजीव जी। राजीव जी बोल रहे हैं कि हमें जाने का थोड़ा इच्छुक है घर के ऊपर, तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी का खात्मा हो जाए और हर एक देशवासी अपने उसी तरह से काम की रूटीन में लग जाए जिस तरह से वो पहले से लगा हुआ था। हम तो यही चाहते हैं और इस संस्था का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि ये हर रोज़ करीबन 1000 से 1200 के करीब जो ये थैलियाँ हैं खाने की, ये जो वितरित कर रहे हैं गरीब लोगों को, मजदूरों को दे रहे हैं, एक बहुत ही भलाई का काम है, ये एक अपने कर्मों का काम है। उसके साथ साथ में हमारे साथ में एक सर भी जुड़े हुए हैं संस्था से जुड़े हुए। सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। प्रवीण कुमार निंबेड़िया। प्रवीण सर जी, जैसे कि ये संस्था के बारे में आप बताएंगे, आप इस संस्था के अध्यक्ष हैं शायद? नहीं सर, मेरा छोटा भाई इस संस्था का प्रधान है। आपके छोटे भाई इस संस्था के प्रधान है, तो आप क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में और जो आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं इसके लिए? भाई हमारे तो बुजुर्गों ने एक ही बात कही है, देखे जी, नेकी कर और कुएं में डाल। जी जी, जो फल देगा ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला देगा, नीचे वाले से उम्मीद मत कर। जी जी जी, तो आप अपने कर्मों की तरफ जा रहे हैं, फल की चिंता नहीं है आपको? कोई फल की चिंता नहीं है। फल देगा भगवान देगा, और सबको पता होता है अगर एक छोटा सा पौधा अगर हम कहीं, वो बीज होता है और वो गिर जाता है और उसको सही समय पर धूप और पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, एक दिन वो फल जरूर देता है। वही कर्म आज ये संस्था कर रही है, और बाकी ऊपर वाले के हाथ में है वो किस तरह से इस संस्था को आगे बढ़ाते हैं या इस संस्था के माध्यम से गरीब लोगों की सहायता करते हैं। और भी मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। कि अभी हम आरपीएस कॉलेज में पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर पहले हम बने हुए थे आरपीएस स्कूल के अंदर जहाँ पर प्रवासी लोग रह रहे थे, मजदूर लोग रह रहे थे। अभी हम पहुँचे हैं आरपीएस कॉलेज के अंदर जो यहाँ पर बलाना के पास में, माधोगढ़ घाटी के पास में है। यहाँ पर भी ये संस्था यहाँ पर भी खाना वितरित कर रही है। आप देख रहे हैं कितने ही शानदार से लोग बैठे हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जो
दिहाड़ी मजदूरी के लिए यूपी बिहार या एमपी से ये लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आसपास में यहाँ पे मजदूरी के लिए आए थे, लेकिन इनका वहाँ पे काम ख़त्म होने के बावजूद ये अपने घर पे वापस जा रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि इनको यहाँ पे इस आरपीएस कॉलेज के अंदर क्वारंटाइन किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ की सुरक्षा के लिए यहाँ पे हरियाणा पुलिस के स्टाफ ऑलरेडी से मौजूद हैं, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं इनकी निगरानी के लिए। एक बहुत ही अच्छा ये गवर्नमेंट ने ये बनाया हुआ है, इस आरपीएस कॉलेज को क्वारंटाइन बनाया हुआ है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे ये सुरक्षित रह सके, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद में इनको पहुँचा दिया जाएगा जहाँ से भी ये आए हैं।